गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा DIY फेस पैक। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ घर पे आप लोग कैसे एक अच्छा सा DIY फेस पैक तैयार कर सकते हैं। गाइस, ये DIY फेस पैक 10 मिनट में अपना असर दिखा देता है और 10 मिनट में आप लोगों का चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लग जाता है। यकीन नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? आ जाएगा जब आप लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी जाके आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे ये DIY फेस पैक इतना अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक जरूर देखनी होगी। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट न करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे आप लोगों को ये DIY फेस पैक बनाना है। तो आइए देखते हैं। सो गाइज, इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मैंने ये मुल्तानी मिट्टी ली है, ये मैंने एप्लेस गुडनेस पाउडर लिया हुआ है, ये मैंने पर्पल से लिया था। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये ऑयली और ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसे आप लोग चाहें तो अपने बालों पर लगा सकते हैं हेयर मास्क के रूप में, अदरवाइज आप लोग इसे अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। कई लोगों का ये मानना होता है कि इसमें लिखा होता है कि ये हेयर मास्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसे अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। ये फेस को ग्लोइंग बनाता है, फेस से रूखापन दूर करता है और फेस को सॉफ्ट बनाता है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। मैं ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी नहीं लूँगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा लेना भी हमारी स्किन के लिए ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही चम्मच मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद गाइस, अब मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पर पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ किया है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे फेस से रिंकल्स, कील मुहासे, दाग धब्बे और चेहरे पर निखार लाता है। तो आप लोगों को 1 चम्मच एलोवेरा इसमें मिलाना है। 1 चम्मच से ज़्यादा आप लोग इसमें एलोवेरा ना मिलाएं। उसके बाद गाइस, मैंने तीसरी चीज़ जो इसमें ली है वो है दही। दही में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे फेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दही हमारे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा चमक लाती है, स्किन से कॉम्प्लेक्शन और टैनिंग को हटाती है। आप लोगों को मिल्क प्रोडक्ट शूट नहीं करते हैं तो आप लोग दही का यूज़ न करके गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास गुलाब जल है तो आप लोग गुलाब जल का यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अब हमने इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला लेने के बाद हमें 5 मिनट तक इस पेस्ट को ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। 5 मिनट बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। फिर मैं इस पैक को अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा दूंगी। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, आप लोग जब भी इस फेस पैक को अपने फेस पे लगाएं तो 10 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने इस फेस पैक को अपने चेहरे पे नहीं लगा के रखना है, क्योंकि किसी भी फेस पैक को ज़्यादा सुखाना नहीं चाहिए। अगर आप लोग वेट करेंगे कि ये फेस पैक कब सूखेगा, जब ये सूखेगा तब हम इसे वॉश करेंगे, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। जब ये फेस पैक आधा से ज़्यादा सूख जाए, मतलब हल्का हल्का सूख जाए, उसके बाद आप लोगों ने अपना फेस वॉश कर लेना है। बस इस फेस पैक को आपने 10 मिनट तक ही अपने फेस पे रखना है। उसके बाद आप लोगों को नॉर्मल वाटर से अपना फेस धो लेना है। सो फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं फेस पर ग्लो और फेस कितना सॉफ्ट हो गया है, एकदम ग्लोई फेस लग रहा है। गाइस, ये था वो बेहतरीन DIY फेस पैक जिसे आप लोग आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? आई नो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है ना कि कुछ ही दिन में करवा चौथ आने वाला है और उसके बाद 1 हफ्ते बाद दिवाली आने वाली है। तो ऐसे में कौन नहीं चाहता है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे, स्पेशली करवा चौथ के दिन कौन नहीं चाहता है, कौन सी लड़की नहीं चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे। अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं तो इस फेस पैक को जरूर ट्राई करें, आप लोगों को जरूर इसका असर दिख जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के काफी सारे पैसे फूक जाते हैं। आप लोग
क्योंकि आप लोगों को पता होगा ही करवा चौथ में वो लोग अपने कितने हाई रेट कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे बताए इस घरेलू DIY फेस पैक को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका असर आप लोगों को जरूर दिखेगा, आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखें। बट मैं आप लोगों के पैसे बचाने के लिए आप लोगों को यही बोलूंगी, आप लोग जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को DIY फेस पैक बताया है उसे एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आप लोगों को असर दिखाई देता है तो आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है अपने पैसे वेस्ट करने की, आप लोग करवा चौथ में इस फेस पैक को लगा के अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। तो जब आप लोग इस फेस पैक को ट्राई कर लेंगे तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आप लोगों को इसे अपने फेस पे लगा के क्या असर दिखा। क्योंकि गाइस ये फेस पैक बहुत ही जल्दी काम करता है और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ आप लोगों को एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।